नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इरफान सोलंकी के भाई यानी कि इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने जाजमा वाशियाना में रिजवान सोलंकी की 75 लाख की संपत्ति को सीज किया है। वही पुलिस के मुताबिक इस संपत्ति में एक फ्लैट, दो असलहे और बैंक के दो खातों को भी सीज किया गया है। ये फ्लैट रिजवान सोलंकी के नाम पर बताया जा रहा है, जिसको सीज क्या गया है। सोलंकी है, उसने अवैध क्रियाकलाप और समाज विरोधी गतिविधियों के द्वारा एक फ्लैट क्रय किया है यहाँ अपनी पत्नी श्रीमती साइना सोलंकी के नाम, जो आसियाना कॉलोनी ब्लॉक नंबर 5 फ्लैट नंबर 2 है। आज उसी को हम लोग धारा अंतर्गत 14(1) धारा उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट आज राज्य सरकार के हित में पक्ष में हितबद्ध कर रहे हैं। सर, इसकी कितनी आकलन, कितनी आकलन है? आज जो रिजवान सोलंकी की संपूर्ण संपत्ति जब्त की गई है, उसका अनुमानित मूल्य लगभग 75 लाख है, जिसमें यह फ्लैट है, एक क्रेटा गाड़ी है उसकी, जिसका मूल्य लगभग 12 लाख है। तो इरफान सोलंकी के भाई रिजवान पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 75 लाख की संपत्ति को सीज कर दिया है। तो रिजवान सोलंकी की 75 लाख की संपत्ति को सीज किया गया है। तो कानपुर में समाजवादी पार्टी विधायक हाजी इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस दौरान रिजवान की 75 लाख की संपत्ति को सीज किया है। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की गई है। इस संबंध में केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय की ओर से भारतीय राजपत्र अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसके बाद पूरे देश में अब सार्वजनिक अवकाश रहेगा। तो अंबेडकर जयंती के मौके पर अब से राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से ये सूचना दी गई है कि अब से अंबेडकर जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश रहेगा, यानी कि राष्ट्रभर के जितने भी संस्थान हैं, फिर चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, सभी संस्थान उस दौरान बंद रहेंगे। बाराबंकी के सूरतगंज शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल चलो अभियान रैली निकालकर बच्चों को जागरूक किया गया है। रैली न्याय पंचायत भिटौली के समस्त विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के बच्चों द्वारा निकाली गई है। वहीं एपीआर अरविंद प्रताप सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रैली निकाली है। रैली में सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं को अध्यापकों द्वारा सभी को बताया गया और परिजनों से कहा गया कि बच्चों को पढ़ने के लिए समय से विद्यालय भेजा जाए, जिसमें बच्चे अशिक्षित न रह जाए। खबर बुलंदशहर से है, जहां बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर आला अधिकारियों ने गांव कीर्रा में मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें एसपी देहात बीबी चौरसिया, खुर्जा एसडीएम राकेश कुमार और क्षेत्राधिकारी दिलीप सिंह के साथ ही थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने मीटिंग कर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती को शांतिपूर्ण रूप से मनाने की अपील की है। साथ ही लोगों को समझाते हुए कहा कि 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती को भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाया जाएगा। उपलक्ष्य में तमाम जुलूस निकलते हैं और कार्यक्रम इस तरह से होते हैं देश में, प्रदेश में, गांव में। तो इस गांव में पिछले वर्ष में कुछ इस तरह से दो पक्षों के बीच में तनाव था, जिसको देखते हुए एक सौहार्द बनाए रखने के लिए इनकी मीटिंग की गई, इनको हिदायत की गई, आगाह किया गया कि कायदे से जो भी सिस्टम है तरीके से झांकी जुलूस निकालिए। और दूसरा पक्ष जिनके बारे में शिकायत थी कि लोग व्यवधान पैदा करते हैं, इनको भी सख्त हिदायत दी गई कि ठीक तरीके से रहिए और किसी तरह से अगर व्यवधान पैदा करेंगे तो कानून बिल्कुल निष्पक्ष होकर के हर किसी के साथ बगैर चेहरा देखे हुए कठोरतम कार्रवाई करेगा।
फरीदाबाद में एक युवक की ईंट पत्थरों से मार मारकर बेरहमी से हत्या कर दी और वहां से आरोपी फरार हो गए हैं। पूरा मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद स्थित बल्लभगढ़ का है, जहां हत्यारों ने बेरहमी से हत्या कर शव को खुले मैदान में ही फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 9:30 बजे की एक गुजर चौक के ऊपर खाली जगह में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो हम मौके पे आए हैं। डेड बॉडी को देखा है, इसके उसमें शिवम नाम का है लड़के का, इसका आधार कार्ड मिला है, उस पर इसके परिवार वालों की तलाश की जा रही है। संजय कॉलोनी का एड्रेस आ रहा है, सेक्टर 23 का संजय कॉलोनी का एड्रेस है इसका। परिवार से संपर्क नहीं हुआ है सर? परिवार से संपर्क करने के लिए भेजी हुई है टीम वहाँ पे, वो भी आ जाती है। तो यहाँ पर आसपास पत्थर मिले हैं जिस पर निशान है ब्लड के, हाँ, तो ऐसा लगता है मारा गया उसी से। हाँ, ऐसा लग रहा है अभी कि किसी ने मर्डर किया है। अच्छा, उसको जल्दी इस चीज़ की कार्रवाई की जाएगी। कितनी उम्र बताई जा रही है? करीब 25-26 साल के करीब इसकी उम्र है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। कासगंज में शातिर अपराधी के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई है। बता दें कि अपराधी मुजीब गिरोह बनाकर जघन्य अपराध किया करता था, साथ ही जानलेवा हमला, चोरी और जुआ सट्टा जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करता था। बता दें कि अवैध रूप से अर्जित चल और अचल संपत्ति और मकान, प्लॉट और एक मोटरसाइकिल को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में थाना कासगंज के रहने वाला एक अभियुक्त मुजीब, जो कि थाना कासगंज में जिसके ऊपर जानलेवा हमला, चोरी तथा सट्टा जुआ इस तरीके के अपराध में ये संलिप्त था, इसके विरुद्ध 2023 में थाना सोरो पे गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसी अभियोग की विवेचना धीन रहते हुए ये जो अभियुक्त है, इसके कुल 1,02,65,000 रुपये की संपत्तियाँ, जिसमें कि एक आवासीय प्लॉट, एक 3 मंजिला मकान और एक दोपहिया वाहन है, इन्हें इसके द्वारा अपराध करके। सुल्तानपुर में प्रेमी ने पहले प्रेमिका को गोली मार और उसके बाद खुद को भी गोली मारकर मौत को गले लगा लिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुट गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला हलियापुर थाना क्षेत्र के रामपुर बबवान गाँव का है। यहाँ पे आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति है नागेंद्र प्रजापति, इसने एक नई लड़की है उसको गोली मार दिया, उसके बाद अपने आप की गोली मार के सुसाइड कर लिया। दोनों की मृत्यु हो चुकी है। गांव वाले से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई प्रधान जी से, उनका कहना है ये दोनों आपस में पहले से परिचित हैं और इनके बीच में ये परिचय करीब करीब 1 से 1.5 साल पुराना है। इसी चीज़ को लेकर कोई इनमें मन मिटा रहा होगा, उसी वजह से ये जो देश में महंगाई और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोग अब सीधा लोगों को ठग कर पैसे कमाने में लग गए हैं। एक ऐसा ही मामला मैनपुरी से आया है, जहां लोन के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। बता दें कि ठगों ने सरकारी शिक्षक को अपना निशाना बना लिया और लाखों की संपत्ति ऐंठ ली है। आरोपी दोनों सगे भाई है और बता दें कि दोनों फील्ड ऑफिसर बनकर शिक्षक के पास गए थे और लोन कराने के नाम पर उससे संबंधित कागजात लेकर लाखों रुपए ठग लिए। वह पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की है और आरोपी दोनों ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकारी अध्यापकों को ही इस तरह के ठगी का शिकार बनाते हैं। जनपद मैनपुरी में दो अध्यापकों को इस तरह से ठगी का शिकार बनाया था, इनको पकड़ा गया है। इनकी पूरी मोडस ऑपरेंडी की जानकारी की गई है। मीडिया के माध्यम से मैं बताऊंगा कि ऐसे फ्रॉड लोगों को जो फील्ड अफसर बन के आते हैं और फर्जी लोन का झांसा देकर पैसा ठग लेते हैं, उनसे कतई लोन न कराए। इनसे हमने 42,300 रुपये भी नगद बरामद किया है, 2,30,000 के रुपये इनका खातों से सीज किया है। तो इस तरह से जो दो घटनाएं थी उनका अनावरण मैनपुरी घटनाओं का हुआ है। इनके पास से सर को क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई है? इनके पास से तमंचा मिला है, पैसे मिले हैं, कैश पैसा मिला है और इनके
गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लोगों के चेहरों पर वापस मुस्कान लौटा दी है। दरअसल ये वो लोग थे जिनके मोबाइल फोन रेल यात्रा के दौरान या तो चोरी हो गए थे या फिर कहीं गिर गए थे। वही जीआरपी ने 74 फोन बरामद किए हैं। इनमें से 32 लोग आज अपने फोन लेने रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। फोन मिलने के बाद जिनके फोन गुम हुए थे वो बेहद ही खुश नजर आए हैं। फिलहाल पुलिस ने लोगों को खुशी तो दे दी है, लेकिन अभी उस गैंग का पकड़ा जाना भी बाकी है ताकि लोग अपनी यात्रा सुरक्षित कर सके। एक्चुअली मैं दीपावली पे घर जा रही थी अपने, मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ, तो जब दीपावली पे ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी तो मैं चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। हाँ जी, चोरी की आपको कब इन्फॉर्म किया जीआरपी ने? ये एक्चुअली मुझको अभी 2 दिन पहले कॉल आया था, तो मुझे ऑब्वियसली बहुत खुशी हुई थी क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, अभी मैं वर्किंग नहीं हूँ, तो थोड़ा सा ऑब्वियसली बात है, अच्छा लगा मुझे। एसएचओ जीआरपी मुरादाबाद ने उनकी टीम ने इनको रिकवर किया है। ये काफी दूर दूर के लोगों के हैं, जैसा कि आप जानते हैं यात्रीगण दूर दूर से आते हैं, तो ये उत्तराखंड के, हिमाचल के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, बिहार के और दूर दूर के लोग थे जिनके मोबाइल थे। तो काफी प्रयास करके इनको 74 मोबाइल्स को बरामद किया गया है। ये बरामदगी होती रही है, 1-2 महीने के अंदर अंदर इसको किया गया है, फिर लोगों को सूचित किया गया है कि उनके मोबाइल बरामद हुए हैं और आज उनको यहाँ पर दिया जा रहा है। 74 में लगभग 30 इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।